स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्यूआर कोड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम आपको इसमें क्यूआर कोड CorelDRAW में डायरेक्ट बनाना आज आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो आइए, आपका और न समय लेते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने CorelDRAW ओपन कर ली है। यहाँ पर एक न्यू फाइल हम यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर उसे RGB फॉर्मेट में रखेंगे। और यूनिट हम यहाँ पर इंच में कर लेते हैं और A4 पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। यूनिट हमारा यहाँ पर अभी इंच में है और हम अब जाएंगे लेआउट मेनू में, लेआउट, और वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेज बैकग्राउंड ऑप्शन। और पेज का बैकग्राउंड हम यहाँ पर चेंज करेंगे, नो बैकग्राउंड है, सॉलिड हम यहाँ से सेलेक्ट करके कलर प्लेट से हम यहाँ पे कलर ले लेंगे 40% ब्लैक कलर, यहाँ पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसे ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पूरे पेज का बैकग्राउंड 40% ब्लैक हो गया, यानी बैकग्राउंड हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम पेज की साइज़ चेंज करेंगे, यूनिट में जाएंगे और वहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करेंगे पिक्सल, ये पिक्सल यूनिट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। और अब यहाँ पर हम उसकी साइज डिफाइन करेंगे, पेज डायमेंशन 1920 विड्थ और 1080 हाइट रखेंगे। ये हमारा पेज का विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन हो गया, बैकग्राउंड भी यहाँ पे बन गया। अब हम यहाँ पर क्यूआर कोड बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मेनू में, इंसर्ट ऑप्शन पे, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्यूआर कोड, ऑब्जेक्ट मेनू, इंसर्ट मेनू और क्यूआर कोड। CorelDRAW 2022 में ये स्पेशल ऑप्शन क्यूआर कोड का दिया है। इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, अलग अलग तरह के क्यूआर कोड हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्यूआर कोड आ गया। अब इसके हम प्रॉपर्टीज बार में जाते हैं, ये क्यूआर कोड के साथ हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। आप डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज में जाकर बीच के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्यूआर कोड आएगा। फर्स्ट पे हमारा ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज में, और सेकंड पे हमारा क्यूआर कोड है, और लास्ट वाले पे समरी आता है। तो हम अभी क्यूआर कोड पे हमें काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूआरएल और यूआरएल का लिंक है, इनफार्म फिल्म यहाँ बैकग्राउंड और उसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर क्यूआर कोड में हम यूआरएल का लिंक दे सकते हैं, ईमेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एसएमएस के लिए भी हम लिंक दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट के लिए लिंक दे सकते हैं, कैलेंडर, इवेंट, जियो लोकेशन भी हम क्यूआर कोड के साथ सेट कर सकते हैं, और कोई प्लेन टेक्स्ट अगर हमें डिस्प्ले करना है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल यूआरएल कोड के द्वारा आपको व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड बनाना यहाँ पर बताने वाले हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म फिल्म है, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने क्यूआर कोड का, अलग अलग कलर में हम चाहें तो अपने क्यूआर कोड को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम यहाँ पर फिर से डिफ़ॉल्टली वही ब्लैक कलर दे देते हैं, और ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है क्यूआर कोड के नीचे उसका भी कलर हम चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह येलो कलर में दे सकते हैं। तो ये हम इस तरह अपने क्यूआर कोड की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से कलर उसका मॉडिफाई चाहें अगर हमारा रिक्वायरमेंट हो
तो चेंज कर सकते हैं। फिर से हम इसे वाइट कर लेते हैं और जो क्यूआर कोड के कोड दिए हैं उसकी जो मार्जिन है उसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्यूआर कोड का ब्लॉक की जगह सर्किल कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं और स्टार में अगर चाहें तो आप उसको स्टार शेप में भी अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो इस तरह हम क्यूआर कोड का शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन वर्क पे। इस क्यूआर कोड के माध्यम से हम अपना व्हाट्सएप लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं स्कैन मी, अपर केस में कर दिए इसे। उसका फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर यूआरएल में हम जाएंगे। आपको जूम करके हम यहाँ पर दिखाते हैं http://wami/+, के बाद हम अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे हम वैलिडेट पे जाकर क्लिक कर देंगे वैलिडेट। तो हमारा क्यूआर कोड व्हाट्सएप नंबर्स के साथ वैलिड हो जाएगा। ये देखिए उस नंबर के साथ हमारा ये इट कंटेन द फॉलोइंग मैसेज, ये लिंक हमारे क्यूआर कोड में ऐड हो गया है। अब जब इस क्यूआर कोड पर कोई भी स्कैन करेगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वो जा सकता है। अब हम यहाँ से एक व्हाट्सएप का लोगो पेज में इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्यूआर कोड के सेंटर में लगा देते हैं। स्कैन मी को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये क्यूआर कोड यहाँ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। आप इसे किसी को भेजकर अपने व्हाट्सएप से इसे लिंकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।